मुझे बाने के बारे में बात करनी थी। पानी? जी हाँ पानी। आप कौन बोल रहे हैं? आपको बानी के बारे में क्या बात करनी है? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं वही इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ जिसे आपने फोन करके अपने घर पर बुलाया था। देखिए, आपके कहने पे हमने कुछ छानबीन तो की है, लेकिन हमें उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया जो बानी को मारना चाहता था। क्योंकि ना तो हम उस आदमी का नाम जानते हैं और ना ही हमारे पास उसका कोई फोटो है। आई एम सॉरी। लेकिन सुनिए, क्या हुआ मोबाइल का? ठीक हुआ? हाँ जी, पहले बोल रहा था ठीक हो जाएगा, अब बोलता है नहीं ठीक होगा। तो कोई गल नहीं यार, कोई एक ही शॉप थोड़ी है पूरे शहर में। तो एक काम कर, तू बिल्ले क्या चला जा, बड़ा ट्रेंड मिस्त्री है, वही ठीक करेगा इसको। इतना हम इसको होश मारने का इंतजार करते हैं। ठीक है पाजी, मैं जा रहा हूँ बिल्ले के यहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि बानी की तैरवी की तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए। क्रियाकर्म तो उसका कर नहीं पाए हम लोग, इसलिए उसके आत्मा की शांति के लिए अब ये रस्म पूरी करनी चाहिए। मैं सभी को फोन करके तेरवी की तारीख बता देती हूँ। ये किसकी तेरवी की बातें कर रहे हैं आप लोग? किसकी शोक सभा मनाने की तैयारियां हो रही है? रज्जी, तो मेरी बात आप लोगों को हो क्या गया? तेरवी उनकी की जाती है जो मर जाते हैं, लेकिन हमारी बानी जिंदा है, इसकी तैरवी कैसे कर सकते हैं आप लोग? रची, तू ऊपर चल के आराम। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बानी को ढूंढकर इस घर में वापस लाना है। अरे, पर यहाँ कोई है ही नहीं जो मेरी बात सुनके मेरी मदद करे। रजी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं बानी के लिए ही कर रहे हैं। तुम अभी तक बानी की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई हो। कोई सदमा नहीं लगा है मुझे, और हाँ, बानी की मौत नहीं हुई है। जब कोई मरता है ना, उसकी आत्मा हम सबसे दूर हो जाती है। लेकिन मैं अपनी बहन को महसूस कर सकती हूँ, मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। अरे, वो माँ हमें मदद के लिए बुला रही है, पर आप सब लोग यहाँ पर उसकी तैरवी की तैयारी कर रहे हैं। रज्जी, हम सबका मन भी यही कहता है कि काश जो कुछ भी तू कह रही है वो सब सच, लेकिन पुत्र जो एक बार इस दुनिया से चला जाता है वो लौट कर नहीं आता। बानी जिंदा है, वो नहीं मरी है, और आज के बाद इस घर में ऐसी कोई बात नहीं होगी। आप में से कोई भी उसे मरा हुआ नहीं कहेगा, और ना ही उसकी कोई तैरवी की तैयारियां करेगा। बस कर, बस कर, होश में आ, बानी नहीं रही, वो अब हमारे बीच नहीं है। रज्जी, मैं मानती हूँ उसके जाने से तुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ, पर उसे लेकर हम लोगों का दुख भी कम नहीं है। तू जानती है, तेरी इस हालत से उसकी आत्मा को सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी। उसे खुश देखना चाहती है ना मेरी बच्ची? मत कर ऐसा, संभाल अपने को, मत कर। और फिर ये तो एक ऐसा सच है पुत्र, जो तुझे आज नहीं तो कल मानना ही होगा। मानना ही होगा कि बानी अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ रजी, ये उसकी आखिरी इच्छा थी। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से तुम या उसके परिवार का कोई भी सदस्य परेशान। परमीत बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, तो सच ऐसे होते हैं जो दिमाग मानता है दिल नहीं। तुम्हें अपने दिल को समझाना होगा, नहीं तो तुम जिंदगी भर दुखी रहोगी, और तुम्हें देख देख कर तुम्हारे सारा परिवार
तुमसे भी ज्यादा दुखी होगा। यस रजी, रजी इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। तो अपने बच्चे के लिए तो मान जाओ। सो बेटा, रजी को कमरे में ले जाओ। संभाल अपने आप। देख, मैं पूरे परिवार को संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर तू रहेगी ना तो मैं अपने आप को भी नहीं संभाल पाऊं। हिम्मत कैसे रखूं जी, हमने अपनी बच्ची को घर से विदा किया था, लेकिन वो तो दुनिया से ही। वहां भी कुछ पता चले नंबर नंबर दा? अरे मैंने उन्हें पूछा था मोबाइल नंबर मिल सकता है, पर उन्होंने मना कर दिया। अरे रब्बा, इधर नंबर नहीं मिल रहा है, इधर होश नहीं आ रहा है। अब इसके परिवार को, फैमिली को बताए तो बताए कैसे, उधर इसकी फैमिली भी परेशान हो रही होगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हम दोनों के फ्यूचर के बारे में। बानी, बस मुझे अपनी मंजिल मिल ही गई है, अब मैं कहाँ जाऊंगा।